So now we will start. Today we'll discuss about past tense. जो past tense हुंदा है उसदे बारे असी discuss करांगे. असी last class दे विच present discuss कीता, present दी types discuss कीतियां, indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. आज असी past discuss करांगे past tense. इदे विच भी चार further किस्मां ने. Past indefinite, past continuous, past perfect continuous. So we will focus on past tense today. So basically, past जो कि नंग चुका है, जो कि बीत चुका है. So is the rules की ने किस तरह ही utilize होंदा है? We will discuss each and everything. So basically, past simple जो है, जिदा तो आनू पता है, subject हुंदा है, फिर verb लगती है. Simple past दे विच, subject plus verb दे नाल, ed, second form of verb लगेगी. We will share the example. So एक rules ने में फटाफट, I'll go through the rules. Negative दे विच, did not लगेगा. जिसनों असी speaking दे विच didn't भी कह देने हैं. So didn't plus verb, basic form. Interrogation दे विच जो verb है वो अग्गे आ जाएगी. Did, subject second number ते आएगा, फिर basic form of verb आएगी. कोई भी past tense तुसी बना लो. I walked, I worked, मैं काम कीता, मैं वॉक कीती, जो भी चीज़ां तुसी कीतियां वो पास्ट विच जो हो चुका है ऑलरेडी. आई वर्कड, सो दिस इज अ पास्ट कि मैं काम कीता फॉर 3 years. पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस वो टेंस है जिस दे विच ये पता लगता है कि कोई काम पास्ट दे विच हो रहा सी. आई वॉज राइडिंग ए बाईसाइकल, आई वॉज राइडिंग ए बाईसाइकल. सो बेसिकली जेड़ा काम पास्ट दे विच चल रहा सी वो कॉन्टीन्यूअस दे विच आ गया. इहदे विच की होएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट दे नाल वॉज वर्ब दा प्रयोग होएगा, प्लस वर्ब दे नाल आई एन जी दा प्रयोग होएगा. Excuse me sir. Yes please. Sir please starting to explain कर दो, आवाज नहीं आ रही सीगी. हुन आ रही है? हाँ जी हुन आ रही है, इधर technical error होएगा कोई. Starting तो जिथो start किता है जी आपकी ने. हाँ जी. So basically I started from past simple tense. Past simple tense जो है subject plus verb the second form plus predicate या objective जो भी होएगा, इधर विच आपा कह सकते हाँ कि आई वर्कड फॉर 3 hours. मैं तीन, आई वर्क फॉर 3 hours. सो मैं 3 घंटे काम किया, काम कर चुका. सो पास्ट नू रिप्रेजेंट किया. नेगेटिव च लैके आना तो असी पास्ट दे विच डिड नॉट लगाऊंगे. आई डिडंट, डिड नॉट नू असी डिडंट बोलांगे जदों असी स्पीकिंग दे विच बोलना है. आई डिडंट, गिव मी सेकंड. सो आई डिडंट वर्क. फिर की आ जाएगा पास्ट दी, डिडंट जदों लगेगा फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्क दी, बेसिक फर्स्ट फॉर्म. आई डिडंट वर्क. अगर इसनों इंटेरोगेशन दे विच लेके जावांगे तो जिड़ा डिड है वो अगे आ जाएगा. डिड आई वॉक, पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क. सिमिलरली कंटिन्यूस जो है वो ये दर्शांदा है कि जिड़ा काम पास दे विच हो रहा सी, जिड़ा पास दे विच चल रहा सी. आई वॉज doing my job,
सो बेसिकली वाज वर्ब का प्रयोग होएगा, सिंगुलर नू वाज नाल अपा यूज करांगे, जो प्लूरल होंगे उदे नाल वर्ब वर यूज करांगे, वाज और वर का यूज होएगा। शी वाज स्विमिंग एट दैट टाइम, ही वाज प्लेइंग, दे वर स्टडिंग। देवर स्टडिंग। सो बेसिकली आई दे नाल वाज दा यूज हुंदा है, शी सिंगुलर है इसलिए अगेन वाज दा यूज होया, ही सिंगुलर है फिर वाज दा यूज होया, दे प्लूरल है तो वर दा यूज होया, देवर स्टडिंग। सो इदा ही अगर असी इसनू नैगेटिव च बनाना होवे, पास्ट कॉन्टीन्यूअस नू असी नैगेटिव फॉर्म दे विच बनाना होवे, ता उदे विच वरंट और वाजंट। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज सर, प्लेइंग की स्पेलिंग गलत है। प्लेइंग प्लेइंग सॉरी, एल की शिफ्ट इधर हो गई पूरी। दैट्स फाइन। सो इज दिस द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? Yeah, it is yes sir. These spelling errors, yes, no, typing errors, it may happen. Ho sakde vich, theek hai? Because just try to understand the concept. Jo concept main samjha reha haan, usde upar dhyan do ki oh concept ki hai. So past continuous jo past de vich kaam ho reha si. I was doing my job, she was swimming at that time, he was playing, they were studying. राइट सो अगर इसनों असी इंटेरोगेशन नैगेटिव फॉर्म दे विच बनाने हाँ तो उदे विच वाजवर दे नाल नॉट आ जाएगा। सो असी बोलन दे विच राइट अगर लिखांगे वाज नॉट लिखना है तुसी फॉर्मली, बट जो बोलांगे ये वाजंट बन जाना है, इसनों वाज नॉट नहीं बोलांगे, वाजंट वरंट। राइट सो नैगेटिव सेंस दे विच आपां करांगे, आई wasn't doing my job that time, she wasn't, isi tarah he wasn't, they weren't. So were not the ban gaya weren't, was not the ban gaya wasn't. So pronunciation inna di idda hi hoyi, she wasn't, she weren't, sorry just a minute, they weren't studying. Similarly interrogation de vich ki hoyega, was var agge aa jayega, were they studying? So mute everyone, I will request all of you अपना माइक बंद करके रखना प्लीज, कि अगर कोई क्वेश्चन है ता ही उसनु अनम्यूट भी नहीं करना, तुसी उत्थे एक हैंड दा ऑप्शन है, जस्ट रेज ए हैंड, आई विल गेट बैक टू यू, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस इन द क्लास. सो इंटेरोगेटिव दे विच जो मेन वर्ब है वो अगे आ जाएगी, वर दे स्टडिंग एट दैट टाइम, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. इसी तरह अगर असी शी वॉज स्विमिंग एट दैट टाइम, was she swimming at that time, like this. ठीक है, so past perfect दे विच असी use करते हाँ
हैड हैड का प्रयोग करते हाँ, सिंगुलर होवे प्लूरल होवे हैड ही यूज करांगे। आई हैड गिवन माई एग्जाम्स लास्ट ईयर, मैं अपने एग्जाम दे चुका हाँ, जड़ा काम हो चुका है खत्म हो चुका है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब डी थर्ड फॉर्म, आई हैड गिवन माई एग्जाम्स लास्ट ईयर। सिमिलरली शी हैड क्लियर्ड हर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। सो बेसिकली आई होवे वी होवे शी होवे ही होवे दे होवे सिंगुलर होवे प्लूरल होवे सब्जेक्ट उहदे नाल हैड लगेगा पास्ट परफेक्ट दे विच। उस तो बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हुंदा है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम वीडियोस। रमनजोत डू यू हैव ए क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? यस सर। यस प्लीज। Sir, they had finished their work. And sir, they have finished their work. Sir, मैं इन्ना दोनों से confused हूँ। Sir, एक कदों use करांगे आपा? Okay. They had finished their work. जेड़ा काम हो चुक। See, जेड़ा काम मान लो मैं कहना, I had completed, I had जेड़ी चीज मान लो तुसीं कि मैं 2012 दे विच कीती है, ठीक है? जेड़ी काम already हो चुका है। पास्ट दे विच हो चुका है। पास्ट परफेक्ट दा मतलब कि इट हैज ऑलरेडी बीन डन। मैं ये काम उदों कीता सी, 10 साल पहला कीता सी। सो यू कैन से दैट आई हैड डन दिस। ठीक है। आई गाइस सो प्रिय लाइन लाइक यू नो हाउ कैन यू मॉडर्न लाइक मी। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। बैकग्राउंड नॉइज इज देयर। अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स नो कि जे तुसी इदां ही करदे रहोगे तो आपां क्लास अगे नहीं वधा पावांगे। सो काइंडली आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि तुसी सिंसियर होके क्लास नू अटेंड करो, पिछे बैकग्राउंड गल्ला ना करो। दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर क्लास अटेंड करो तो सिंसियर होके करना है, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू शो यू सम वीडियोस कि पास्ट टेंसेस दे विच एग्जैक्ट हुंदा की है। गोइंग ओके, इज दिस स्क्रीन इज विजिबल? सब नु दिख रही है ये स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। राइट, मैनू सिर्फ दो और तीन जाने ही कंफर्म, मैक्सिमम फाइव कंफर्मेशंस आई नीड, ठीक है? सब ने नहीं माइक ऑन करके कंफर्म करना। सो जदों फाइव कंफर्मेशंस हो जान उस तो बाद किसी ने कंफर्मेशन नहीं सेंड करनी, ठीक है? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले इट। द पास्ट सिंपल, असी पास्ट सिंपल टेंस डिस्कस करन लगे हैं। सो हैव पेन एंड पेपर हैंडी, कोशिश करो अगर तुसी ये चीजां लिख सको। How do we form the past simple? Affirmative. Subject plus verb in past tense plus object. We ate some lovely pizzas last night. So basically एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल नाल समझाया गया थे कि पास्ट सिंपल टेंस नो किस तरह यूज करना है। सब्जेक्ट
verb in past tense plus objective. Subject ki hoya we, eight ki hoya verb, some lovely pizzas last night. A object ho gaya, isnu predicate bhi keh dende ha, object bhi keh dende ha. Conjugating the past simple affirmative. I washed the car. You washed the car. He washed the car. She washed the car. We washed the car. They washed the car. So basically, common ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ verb ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ verb ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ed ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ. Second form of the verb you used. I washed the car. So rule dasan waste ki I hove, you hove, he hove, she hove, we hove, they hon. Past simple tense de vich ki main car nu wash kita. I washed. Main car nu wash kita si. So I washed the car. Excuse me, sir. Washed. How do we form the past simple? Subject plus did plus not plus verb plus object. Jim did not finish his homework. So this is the negative form of past tense. Not tusi add karna hai plus did add karna hai. Subject plus did. Did not represent karega negative. Subject did not, verb plus objective. Jim is subject, did not finish his homework. Hun cheez dekhan wali yehi hai ki इस जो डिड लग जाएगा फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. आपां डिड नॉट फिनिश्ड नहीं लगावांगे. दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर. जो नेगेटिव सेंटेंस बन गया डिड लग गया डिड दे नाल हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. कंजुगेटिंग द पास्ट सिंपल नेगेटिव. I did not wash the car. You did not wash the car. He did not wash the car. She did not wash the car. We did not wash the car. They did not wash the car. सो जिद्दां आपां पहलां डिस्कस कीता डिड नॉट दे नाल फर्स्ट फॉर्म आंदी है. सो इन्हां ने वॉश्ड नहीं लिखिया वॉश लिखिया. दैट इज द फर्स्ट फॉर्म. सो जदों तुसीं नेगेटिव बनाओगे पास्ट नूं डिड लगेगा. ऑलवेज मेक श्योर फर्स्ट फॉर्म वर्ब दी ही रहेगी. वी कैन कंट्रैक्ट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब डू इन द पास्ट. I did not. I didn't. You did not. You didn't. He did not. She did not. He didn't. She didn't. We did not.
We didn't. They did not. They didn't. So basically, pronunciation of did not is didn't. कुछ बच्चों की क्वैरी सी क्वेश्चन सी कि प्रोनंसीएशंस ते सानू इशू आ रहे ने सो आपां प्रोनंसीएशंस नू भी हौली हौली कवर करांगे सो मेरी कोशिश सी कि टेंसेस दे विच भी प्रोनंसीएशंस नू थोड़ा थोड़ा करैक्ट करांगे सो डिड नॉट दी जगह असी जदों बोलांगे असी डिडंट बोलांगे इट्स डिडंट हाउ डू वी फॉर्म द पास्ट सिंपल इंटरोगेटिव Did plus subject plus verb plus object Did you listen to music last night? So interrogative the which we are seeing. डिड का यूज करांगे डिड सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस उस तो बाद आएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट सो ऑलवेज रिमैंबर जिथे डिड आ गया तुसी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट रखनी है डिड यू लिसन लिसन की जगह इतने थर्ड फॉर्म भी लगा सकते सी सैकेंड भी लगा सकते सी फर्स्ट ही क्यों लगाई बिकॉज इट्स रूल डिड यू लिसन टू द म्यूजिक लास्ट नाइट Conjugating the past simple interrogative. Did I wash the car? Did you wash the car? Did he wash the car? Did she wash the car? Did we wash the car? Did they wash the car? Hope it's clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we will do past continuous. Go. Is this now screen is visible? The past yes, continuous. Sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. How do we form the past continuous? Affirmative. Subject. Plus. Was. Present participle. Plus. Object. Andy. Was. Cooking dinner. Okay, so past continuous de vich ki hai ki koi kaam chal reha si hun nahi chal reha chal ke khatam ho chuka past de vich oh chal reha si so ode vaste rule jidda apan discuss kita subject सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज लगेगा प्लूरल है तो वर लगेगा प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आई एन जी लगेगा नाल कॉन्टीन्यूअस है इसलिए आई एन जी लगेगा सो कॉन्टीन्यूअस की जेड़ा काम हो रहा सी सारे टेंसेस दे विच पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दे विच जेड़ा कॉन्टीन्यूअस ऐसा टेंस है जिस दे विच आई एन जी लगता है चाहे वह परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होवे जां सिंपल कॉन्टीन्यूअस होवे और जिदे नाल आई एन जी लगेगा
उसकी फॉर्म फर्स्ट ही होएगी तुसी थर्ड फॉर्म नाल आईएनजी नहीं लगा सकते एंडी सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल वॉज कुकिंग कुकिंग जेड़ा हो गया कुक दे नाल आईएनजी लग गया ऑब्जेक्ट की होया डिनर सो इट वॉज एंडी वॉज कुकिंग डिनर कि ये हुन नहीं बना रहा डिनर ये बना रहा Conjugating the past continuous. Affirmative. I was eating the apple. You were eating the apple. He was eating the apple. She was eating. ओके एवरीवन अगेन मैं रिक्वेस्ट करांगा सबनों कि बैकग्राउंड नॉइस ना क्रिएट होवे जो कि सबनों सुनदा है बैकग्राउंड नॉइस और ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है सो आपा एक रूल बनावांगे जिसका भी माइक अनम्यूट होवेगा बैकग्राउंड नॉइस होवेगा उसनों क्लास विचों रिमूव कर दिता जावेगा फॉर द स्पेसिफिक क्लास जिवें हुण बैकग्राउंड नॉइस होएगा जिस स्टूडेंट का भी उसनों इधरों रिमूव कर दिता जाएगा बिकॉज बैकग्राउंड नॉइस ये शो कर रहा है कि स्टूडेंट इज नॉट सिंसियर अगर बैकग्राउंड ते गल्लां चल रही हां ने और कुछ भी हो रहा है दैट मीन्स इनसिंसियरिटी सो तुसी सिंसियरिटी बना के रखोगे डिसिप्लिन बना के रखोगे तो इस विच तुहाडा ही फायदा है ताकि बाकियां नूं भी डिस्टर्बेंस ना होवे सो काइंडली इट्स अगेन माई रिक्वेस्ट कि बैकग्राउंड नॉइस है तो तुसी इसनों माइक नू अनम्यूट नहीं करना ओनली क्वेश्चन है थोड़ा तो तुसी हैंड रेज कर सकते हो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर सो सब दे लर्निंग इम्पैक्ट ना करे इस करके मैं ये बेनती की थी eating the apple we were eating the apple they were eating the apple How do we form the past continuous? Negative. Subject. Plus. Was, were. Plus. Not. Plus. Present participle. Plus. Object. They. Were. Not. Enjoying. The meeting. सो कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस नू नेगेटिव किवें बनाना है सब्जेक्ट सिंगुलर है वाज लगेगा प्लूरल है वर लगेगा नाल नॉट लग जाएगा प्रनाउंस किवें करांगे वाजंट वरंट उस तो अगे सेम कंडीशंस रहें दे वरंट एंजॉइंग द मीटिंग क्यों मीटिंग नू एंजॉय नहीं कर रहे सी दे वरंट एंजॉइंग द मीटिंग सो दे प्लूरल है इस करके वर लग गया नॉट लग गया ना नू रिप्रेजेंट करता है एंजॉय दे नाल आई एन जी लग गया आई एन जी क्यों लग गया बिकॉज इट्स ए कॉन्टीन्यूअस टेंस कॉन्जुगेटिंग द पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव I was not eating the apple. You were not eating the apple. He was not eating the apple. She was not eating the apple. We were not eating the apple.
They were not eating the apple. We can contract the negative form of the verb be in the past. I was not. I wasn't. You were not. You weren't. He was not. She was not. He wasn't. She wasn't. We were not. We weren't. They were not. They weren't. So basically, phonetics de vich, jado bolan de vich, main pehla vi benti kiti, I was not nu asi wasn't bolange, were not nu weren't bolange. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਾਓਗੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ਨਟ ਈਟਿੰਗ ਦ ਐਪਲ ਯੂ ਵਰਨਟ ਈਟਿੰਗ ਦ ਐਪਲ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ਨਟ ਈਟਿੰਗ ਦ ਐਪਲ ਵੀ ਵਰਨਟ ਦੇ ਵਰਨਟ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਫੋਰਮ ਦ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ Was, were, plus, subject, plus, present participle, plus, object, were, you, reading, a book. Conjugating the past continuous. Interrogative. Was I eating the apple? Were you eating the apple? Was he eating the apple? Was she eating the apple? Were we eating the apple? Were they eating the apple? Any doubt? Anyone till now? No, sir. No, no, sir. No, sir. Thank you. No, sir. Now sir. We'll just... ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ The past perfect. Is it audible and visible to all of you? Yes, sir. Yes, 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 sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, yes. How do we form the past perfect? Affirmative. Subject. Plus. Had. Plus. Past participle. Plus. Object. She. Had. Replaced. The light bulb. Before she electrocuted herself. So past perfect de vich subject de naal assi had use karange. Chahe subject singular hai, plural hai, assi had da hi use karange. It is past. Plus assi verb di third form use karange. Always. If you use had, perfect tense koi bhi hove, ode vich verb the third form he used on the plus objective. She had replaced the light bulb
before she electrocuted herself, ki usnu current lagan to pehla oh usne bulb replace kita. So she had replaced the light bulb before she electrocuted herself. Ki oh bulb replace usne kita si jis nal usnu shock lag gaya. Conjugating the past perfect affirmative. I had eaten the cake. You had eaten the cake. He had eaten the cake. She had eaten the cake. We had eaten the cake. They had eaten the cake. How do we form the past perfect? They had eaten the cake. How do we form the past perfect? Negative. Subject. Plus. Had. Plus. Not. Plus. Past participle. Plus. Object. Andy. Had. Not bought a new umbrella. Conjugating the past perfect negative. I had not been before. You had not been before. He had not been before. She had not been before. We had not been before. They had not been before. Not been before. So basically, this is the negative sentence of past perfect. Had not, no assi kamange, hadn't. Andy hadn't bought a new umbrella. Similarly, had not, no assi, hadn't, de vich leke aavange. Bolan de vich, had not is hadn't. We hadn't. They had not. They hadn't. Past participle. How do we form the past perfect? Interrogative. Had. Plus. Subject. Plus. Past participle. Plus. Object. Had. They organized a party before. Similarly, interrogative de vich jo verb hai wo main subject di jagah te aa jayegi. Had, fir subject, fir past participle and then objective. Had they organized. देखो had दे नाल थर्ड फॉर्म ए पार्टी बिफोर क्वेश्चन मार्क. कंजुगेटिंग द पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव.
Had I eaten the cake? Had you eaten the cake? Had he eaten the cake? Had she eaten the cake? Had we eaten the cake? Had they eaten the cake? I hope it's clear. Any question on past perfect? No, sir. Yes, sir. No, sir. Okay. Any question? Kise da koi question hove? Jinu question nahi hai, that is fine. If anyone is having any difficulty? No, sir. Okay. No, sir. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, jo jaise tumse piche karwaya sir, please unu karungi ji apna sir piche karwaya se bean wala. Haan ji. Had been. I hadn't been before. Been basically use hunda ki main jaan waste use hunda kise place te. I hadn't been before ki main utthe pehla nahi gaya siga. Ithe been da jada uses hai o ik jivein aapa kehne hai I never been to Canada before. Ki main kadi Canada nahi gaya. Pehla main kadi Canada nahi gaya. I never been to Canada before. So just like that. एक प्लेस नो रिप्रेजेंट कर दे कि वो उत्थे कदी नहीं गया और आई नेवर आई हैडंट बीन बिफोर दैट्स इट स्लोली स्लोली अपकमिंग सेशंस दे विच आपस सारीयां चीजें डिस्कस करांगे कि बीन स्पेसिफिकली किथे लगता है एदा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैगा पर यस ओके सो वंस वी डू मोडल्स यू वेलकम एक्सक्यूज मी सर वेलकम Excuse me, sir. Yes, please. Yes, sir. Sir, मैं ये पूछना सी कि आपसे अपनी vocabulary और pronunciation. Just give me a second, please. हाँ जी. Am I audible, sir? Yes, yes. Now you are audible. Yes, sir. मैं sentences जो है कि नहीं वो according to rules वो बढ़िया बना लेनी है but Don't worry. Dekho, this is the third class. We are going to discuss all these things. Don't worry. Okay? Pronunciation is not a problem. Hai. I guess it will be. We will definitely have a focused webinar on that. Pronunciation is not a problem. We will correct it. It will take some time. Go English. Okay. Let me check. Now is it fine? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, sir. So now we will discuss past perfect continuous. Excuse me, sir. Yes, please. Is this screen is visible to all of you? Is this visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I have a doubt. Okay. Any question? Yes, sir. Yes, Kushpreet. Sir, she had replaced the light bulb. Sir, is it complete sentence or not? Sorry, she? She had replaced the light bulb. She had replaced the light bulb. Yeah, that is fine. She had replaced third form, the light bulb, that is a predicate or objective. This is a fine. Yeah, this is right. Tense. Okay. Should I start? Yes, sir. Okay. So now we'll discuss past perfect continuous. The past perfect continuous. How do we form the past perfect continuous? Affirmative. Subject. Plus. Had. Plus. Been. Plus. Present participle. Plus.
object. James had been baking a cake. Conjugating the past perfect continuous. Affirmative. I had been swimming. You had been swimming. He had been swimming. She had been swimming. We had been swimming. They had been swimming. How do we form the past perfect continuous? Negative. Subject. Plus. Had. Plus. Not. Plus. Been. Plus. Present participle. Plus. Object. Liam. Hadn't. Been. Running. The race. For long. But he was very tired. So basically, complex sentences de vich past perfect continuous the uses hundi hai jadon tusi complex compound sentences banane ho. So ede vich jo rule hai subject de vich had, hadn't, ede vich been da prayog hunda hai, had de naal been. Been represent time ya us time de daur nu dasda hai. Plus verb de naal ing lagegi jithe been plus verb naal ing lag gaya, that is past perfect continuous. Liam hadn't been running the race for long, but he was very tired. Oh bahut thakya hoya si, usne bahut bhajja vi nahi, but oh bahut thak chuka si, he was very tired. So usne koi lambi daud nahi lagayi, but fir bhi he was very tired. Oh thakya dikh reha si, oh thak chuka si. सो इस तरह के जो सेंटेंसिस कंपलैक्स या कंपाउंड असी फॉर्म करांगे उदों यही चीज यूज होएगी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. वी विल डिस्कस कि कंपाउंड कंपलैक्स कंपलैक्स कंपाउंड पैसिव वॉइस सिंपल सेंटेंस आप हौली हौली डिस्कस करांगे जो ही टेंस खत्म होंगे. बाय द नेक्स्ट क्लास फ्यूचर टेंस विल बी डिस्कस. उस तो बाद असी फिर फॉर्म्स ऑफ टेंसिस ते आवांगे. सिंपल सेंटेंस किवें है, कंपाउंड किदा है, कॉम्प्लेक्स किदा है, विल डिस्कस दीस थिंग्स. कंजुगेटिंग द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नेगेटिव. आई हैड नॉट बीन स्विमिंग. यू हैड नॉट बीन स्विमिंग. ही had not been swimming. I had not. He hadn't. She hadn't. We had not. Form the past. They hadn't. How do we form the past perfect continuous? Interrogative. Had plus subject plus been plus present participle plus object. How long had the policeman been chasing the robber before he caught him? So in interrogative de vich
how long had the policeman been chasing the robber before he caught him? So basically, kinni der policeman usnu chase karda reha usnu giraftar karan to pehla. So is tarah de sentences de vich eh use hunda hai. Past perfect continuous. Had I been swimming? Swimming? Had they been swimming? Hope it's clear to all. Koi doubt hai? Yes, sir. Okay, clear. Oh, sir. All clear, sir. Oh, sir. All right. Thank you. So, assi past, simple past, continuous, perfect, perfect, continuous. Chare kisma pa dekh chuke hain. Now I will show you pass. Let me check. Okay, choti ji video ho dekhange, then we'll do some quiz. Past simple. This tense is used to describe an action that has already happened. The structure is subject plus a verb in the past form. For example, I walked to work today. She arrived late to school. I ate my lunch in the cafe. I saw my friend in the shop. Simple past tense jo hai, this tense is used to describe an action that has already happened. Jada ho chuka hai, usnu describe karta hai. Jis tarah ki I walked to work today. Ki main aaj walk karke apne kaam pe gaya. She arrived late to school. Ki wo late aayi school pe. I ate my lunch in the cafe. कि मैं अपना लंच कैफे विच खादा या कैफे ते लंच कीता. आई सा माई फ्रेंड इन द शॉप कि मैं शॉप दे विच अपने फ्रेंड नू देखिया. सो सा एट अराइव्ड वॉक्ड ये सारियां फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ड वर्ब्स ने. इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इरेगुलर वर्ब्स हैव डिफरेंट पास्ट फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल ईट बिकम्स एट and eaten. There are many different types of irregular verbs, so make sure you know the past forms. Past. So verbs ka pata hona bahut zaruri hai in order to make right sentences. Kuch regular verbs ne jehdiyan change nahi hundiyan, irregular verbs hone jo first form different hai, second different hai, third different hai. So you can google verbs if you don't know. अगर तो आनु verbs बारे नहीं पता तो उसी उसनु google कर सकते हो. I will try to integrate verbs in the next session. उदे विच आपा थोड़ी जो verbs भी कर लवांगे. Past forms. Past perfect. This tense is used to describe an action that was finished before another past action. The structure is subject plus had plus a verb past participle. For example, I had finished my homework to give to my teacher, but she had already left. He had visited China. My mum hadn't packed my lunch, so I had to prepare it myself. So past perfect ki tazda hai, this tense is used to describe an action ki koi action hoya that was finished before another past action. Ki do actions de vichon jehda first action assi kita, it basically describe karda hai ki kise action bare ki us to baad vi kuch hoya action. For an example, I had finished my homework to give to my teacher, but
शी हैड लेफ्ट ऑलरेडी, कि वो उस तो पहले जा चुकी सी, मैं अपना काम कर लिया सी, फिनिश कर लेता सी होमवर्क अपने टीचर नू देने वास्ते, बट शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो उदों तक जा चुकी सी। माई मम हैडंट पैक्ड माई लंच सो आई हैड टू प्रिपेयर इट, मेरी मदर ने मेरी माँ ने मेरा लंच पैक नहीं किया, सो इस करके ये मैनू ही प्रिपेयर करना पिया उस टाइम। Past continuous. This tense is used to describe an action that was ongoing. This action may have been interrupted or another action also occurred. The structure is subject plus was or were plus the verb ending in ing. For example, I was working all day to finish my homework. We were walking home when my mum called me. He was waiting an hour when the bus finally arrived. Past continuous, jiddan apa pehla vi discuss kita ki jehda kam pehla ho reha si. The tense is used to describe a past action that was going on. So jehda pehla chal reha si, this action may have been interrupted, ki chahe wo action rok ditta gaya hove ya ho reha hove. I was walking all day to finish my work. I was walking all day, main sara din kaam kar reha si to finish my work. We were walking home when my mom called me. Kisi ghar nu aa rahe si aur walk kar rahe si when my mom called me. He was waiting an hour when the bus finally arrived. It's important to note, with subjects I, she, he, it, we use was. With subjects we, they, you, we use were. Past perfect continuous. This tense is used to describe an action that started in the past and continued till another action or time in the past. The structure is subject plus had been plus the verb ending in ing. For example, it had been raining all day, so I couldn't walk to work. So, ye cheez badi dhyan aur gaur naal samjhan wali hai ki past perfect continuous jehda tense hai, basically ਇਹ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਟਿਲ ਅਨਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो पास्ट दे विच एक्शन शुरू होया और वो चल रहा सी जदों सेकंड एक्शन शुरू होया उदो तक वो चलिया। आई हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, उदन सारा दिन मीह पै रहा सी, इस करके मैं काम ते नहीं आ सकिया। सो दिस इज द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, कि उस दिन बहुत बारिश हो रही सी इस करके मैं काम ते नहीं आ सकिया। It had been raining all day, so I couldn't walk to work. We had been looking for my phone for 1 hour when Jasmine found it under the sofa. She had been preparing dinner when I arrived home. Hope it's clear to all of you. Yes, sir. Okay. What is left? Oh,
We will do a small activity. He had dash a line under my name. Hun tusi dassoge quiz. It's a quiz round. After this, we will wind up. Drawn. He had dash a line under my name. Drawn. Drawn, sir. Drawn, sir. He had drawn. Had आ गया इस करके थर्ड फॉर्म लगेगी ड्रॉ दी. He had drawn a line under my name. My parents would like dash to you. To meet. To meet. To meet. To meet. To meet. Okay. To meet. To meet. To meet. To meet. To meet. Yes, it's to meet. To to baad hamesha first form lagegi. To to baad kadi bhi second form nahi lagegi. My parents would like to meet you. So B will be the right answer. Yes. Okay, I have read. I have read dash this book. I have read this. I have a few of his books. Right. I have read a few of his books. Okay, Joy dash very angrily. Seemed. Looked. Looked. Joy spoke very angrily. Seemed to see angrily na kise nu dekh nahi sakde, but you can gusse naal tusi bol sakde ho. So that's why it spoke here. Do you know where dash my gray shirt? She put. Did she put my shirt? She put 2 dash salt in the soup. Too much. Right. Two dinal much aega always. Two enough ni aega. Two nal many. It depends on the sentence. The waiter asked if we were ready to order. Good. The damage to the car was minimum. The damage to the car was minimal. How? I didn't realize Sue was a dash chef. Learned. Trained. 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 We are permitted to dash our seat belts. Unlock. Unfasten. Unlock. Minimum. Unfasten. Minimal.
we are permitted to unfasten our seatbelts. He dash. Okay. He did. He took. He took my advice and went to bed early. Since 3 hours. Take the medicine. Twice a day. Twice a day. Twice a day.